ओके स्टूडेंट्स, जो अब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पाशा। शायद आप सब लोगों ने डाइस की हेल्प से लूडो, सांप सीढ़ी और इस टाइप के गेम खेले होंगे। तो जो डाइस हमने देखे हैं, जो डाइस से हमने डिफरेंट टाइप्स के जो गेम्स प्ले किए हैं, वो डाइस को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस का मीनिंग ये है कि एक जो डाइस होता है उसके छह फेसेस होते हैं, छह सतह होती है उसकी, बिल्कुल पूरा एक मतलब पूरा क्यूब बना हुआ होता है, वो क्यूब की टाइप में होता है पूरा का पूरा जो डाइस होता है वो। और जो उसकी छह सतह होती है उनमें जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, वो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये है कि उस स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग जो एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है ना, उन अपोजिट सरफेसेस का सम ऑलवेज 7 आता है। लेकिन ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा पॉसिबल है, मींस जो स्टैंडर्ड वाला डाइस है उसमें एक फेस और जस्ट उसका अपोजिट जो दोनों फेसेस होते हैं ना, उन फेसेस का सम ऑलवेज 7 आता है। बट जो क्वेश्चंस हमें डिफरेंट एग्जाम्स में गिवन है उनमें ऐसा नहीं है कि उनमें भी स्टैंडर्ड डाइस यूज में नहीं लेते, वो कहीं भी कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो उसमें अपोजिट सरफेसेस वाला और ये सब सरफेस का सम 7 आए ऐसा नेसेसरी नहीं है। सो अब उससे रिलेवेंट मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको डाइस से रिलेवेंट, और एक दो क्वेश्चन हम उससे रिलेवेंट सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अपने को एक डाइस ऐसे गिवन है, ये एक डाइस है, तो इस पे 1, 2 और 3 ये तीन सरफेसेस हैं, तीन सतह हैं, तीन फेस हैं, तीन इसके भाग हैं, जहां पे यहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है। तो अगर अपने को कहीं ये ऐसा नॉर्मली डाइस दिखाई देता है तो हम कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ आइडियाज उससे लगा सकते हैं। तो इस डाइस को हम देख के क्या आइडिया लगा सकते हैं, इसको हम यहां से देखते बता सकते हैं कि जो अब जो इस 1 के जो अपोजिट, 1 के जो बिल्कुल विपरीत फेस है वो इसके पीछे रह गया, 2 के जो विपरीत फेस है वो इसके पीछे रह गया, और 3 के जो विपरीत फेस है, जो 2, 3 के अपोजिट फेस है ना, वो नीचे रह गया। इट मींस ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट फेसेस नहीं है। तो 1 का अपोजिट फेस थ्री एंड 2 कभी भी नहीं होगा, ये हम आइडिया लगा सकते हैं। इसी टाइप से 2 का अपोजिट फेस 1 एंड 3 कभी भी नहीं होगा, और 3 का अपोजिट फेस 1 और 2 कभी भी नहीं होगा। मींस ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि 1 का अपोजिट फेस बताओ, तो 1 का अपोजिट फेस में आपको तीन जो है ना डायरेक्टली दे दिए ऑप्शंस 2, 3, 4। तो अब हम इस डाइस को यहां से देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2 और 3 जो है ये 1 के अपोजिट फेस में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, कौन सा? 4। तो हम किस पे क्लिक कर देंगे? 4 पे। ये तो एक बड़ी छोटी और नॉर्मल सी बात है इससे रिलेवेंट। अब मैं इससे रिलेवेंट कुछ और बातें भी आपको बताने जा रहा हूं, कुछ रूल्स आपको बताऊंगा कि वो रूल्स ये डाई के ऊपर वो रूल्स फॉलो होते हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन को, जो कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, उसको बड़ी ही क्विकली और देखते ही उसको सॉल्व कर सकते हो उन रूल्स की हेल्प से। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए जो डाइस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, पासा से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके 2 मेन रूल्स हैं। देखिए पहला रूल क्या है, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन इन 2 डाइस, आपको 2 डाइस दी हुई है और दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, तो हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या जज कर सकते हैं, मीन्स एक नंबर कॉमन देने पे हम क्या क्या आइडियाज लगा सकते हैं जिससे कि अपना जो भी पूछा गया क्वेश्चन है ना उसका आंसर मिल जाए। तो देखो जब भी एक नंबर कॉमन हो तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उसी दिशा में घुमाते हैं। तो देखो यहां पे अपने पाएंगे कि जब हम इसको घुमाएंगे तो 6 यहां आ जाएगा, 4 इसके पीछे चला जाएगा,
यहां हम देखो इसको घुमाएंगे तो 6 यहां आ जाएगा, तो अपने को क्या दिखाई देता है, जो 6 यहां था वो यहां आ गया, इसमें भी 6 यहां आ गया, तो इसमें 4 इसके पीछे चला गया और उधर 5 इसके पीछे चला गया। तो हम इसमें से देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसे जैसे 6 4 और 2 ये नंबर्स अपने को गिवन है, 6 4 एंड 2 6 4 और 2 ये नंबर इसमें एक पासे में दे रखे, एक डाइस में दे रखे, और इसमें कौन-कौन से नंबर्स है, 6 5 3 तो 6 5 3 ये क्लॉकवाइज घुमाने के हिसाब से मैंने लिखा है इसको, 6 4 2 और 6 5 एंड 3, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। तो क्लॉकवाइज घुमाने पे जो नंबर ऊपर नीचे लिखा रहता है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां से 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस पे लिखे हुए हैं, 4 और 5 जो है ना एक दूसरे की उल्टी सतह पे लिखे हुए नंबर है, ऐसे ही 2 और 3 एक दूसरे से अपोजिट है, 2 एंड 3 2 और 3 एक दूसरे से अपोजिट है, तो 6 के अपोजिट कौन बच गया फिर, 1। तो इस प्रकार हम आईडिया लगा सकते हैं, जब भी एक नंबर आप तो कॉमन दे रखा हो तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के देख लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद में हम उससे आईडिया लगाएंगे कि किसके पीछे कौन क्या कौन सी सरफेस लाई करती है। देखो अब सेकंड नंबर रूल है, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन इन बोथ डाइस, तो सेकंड नंबर रूल ये है कि अगर एक नंबर की बजाय अपने को दो नंबर कॉमन दे दिए जाए तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो दो नंबर जैसे हम यहां पे देखते हैं, इसमें देखो 6 4 5 गिवन है, इसमें 6 4 1 गिवन है, तो जो दो कॉमन नंबर कौन से हैं, 6 और 4, तो 6 और 4 कॉमन नंबर है, तो जो विदाउट कॉमन नंबर है, जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, वो कौन-कौन है, 5 एंड 1, तो 5 और 1 ऐसे नंबर है जो कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे हमेशा। तो ये एक रूल है, ये याद रखने वाली बात है कि 5 का अपोजिट क्या हुआ, 1, इसका मतलब जो 6 और 4 वाले सरफेस है उसके अपोजिट में या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, 1 और 5 नहीं होगा। ये दो कंक्लूजन हम इजीली कर सकते हैं, इन दो कंक्लूजंस की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है।